उसने मायूस होना नहीं सीखा क्योंकि वो उम्मीद से जुड़ा है। जिस जगह उसने आंख खोली वहां तालीम हासिल करना एक जुर्म था, लेकिन वो रोजाना 4 मील नंगे पांव स्कूल जाता रहा। फिर वो दिन भी आया जब नंगे पांव स्कूल जाने वाले ने अपने इलाके में मुफ्त स्कूल और कॉलेजेस बनवाए, जिसे बस्ताना होने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने 60 लाख बच्चों के लिए मुफ्त किताबों और बस्तों का इंतजाम किया। जब दहशतगर्द खवातीन के स्कूल जला रहे थे तो वो शख्स खवातीन के लिए कॉलेजेस तामीर करवा रहा था। जब धरती के बेटे कफन बांधे एक दूसरे को जेरो जबर करने पर तुले हुए थे तो वतन के इस बेलौस सिपाही ने मट्टी का कर्ज अदा किया और नफरतों में मोहब्बतों के फूल खिलाए। ये वो शख्स है जो इत्तेहादे पाकिस्तान का दाई है, जो सिंधी पंजाबी बलोची पश्तो उर्दू लिबास को अपना लिबास और तमाम इलाकाई जुबानों को अपनी जुबान समझता है। वो 2 बार MPA बना और दोनों बार सीनियर वजीर बना, लेकिन उसकी सादगी भी कायम रही और दयानत पर भी हर्फ ना आया। जिसने हर वजारत और अमारत में अरबों रुपए के महल्लात ठुकरा दिए कि उसे तो बेलौस अपने वतन की खिदमत करना है। वो आज भी अपनी मां की मोहब्बत में टोपी टेढ़ी पहनता है। उसने मायूस होना नहीं सीखा क्योंकि वो उम्मीद से जुड़ा है। वो कल भी नौजवानों की उम्मीद था, वो आज भी लाखों नौजवानों की उम्मीद है, क्योंकि वो उम्मीद के रब से जुड़ा है। तब्दीली, बेहतरी, उम्दगी और खैर की उम्मीद, JI यूथ की उम्मीद, पाकिस्तान की उम्मीद।